नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो 360 में। दोस्तों आज तारीख है 25 और आज सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह लगभग 3:30 बजे के करीब से, और अभी ये 1 बजे के करीब है जो बारिश हमारी बंद हुई है। और ये देखिए कैसे खेतों में क्या हाल कर रखा है। दिल्ली NCR का एरिया है और प्री मानसून बारिश है ये, अभी मानसून पहुँचा नहीं है पूरी तरह और उससे पहले की बारिश है। तो क्या हाल कर रखा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सब खेतों में पानी ही पानी भरा है। जिस तरफ देखें उस तरफ ही पानी, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, चारों तरफ पानी है। इतनी बारिश होने के बावजूद भी अभी फिलहाल बादल छाए हुए हैं, तो अभी दोबारा से बारिश के आसार हैं। हर जगह पानी पानी दिख रहा है। तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ अपने खेत के अंदर और ये पीछे ज्वार की खेती थी, इसको भी कैसे लेटा दिया है, पूरी तरह नुकसान हो गया है थोड़ा सा, बारिश का पानी ज़्यादा आ गया खेत के अंदर। तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये देखिए खेत के अंदर इतना पानी भर गया है, अभी ये आप यहाँ देख सकते हैं मैं पानी के अंदर खड़ा हूँ, मेरा पूरा पैर पानी के अंदर नीचे है, तो इतना पानी खेत के अंदर खड़ा है। तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ भी ऊंची मिट्टी होगी वहाँ आपको इस तरह के कुछ ये सांप की तरह चलने वाले कीड़े दिखाई देंगे, जिन्हें हम केंचुए कहते हैं। अब ये केंचुए जो है सारे इतना पानी भरने के बाद सारे बाहर आ गए हैं, और अब ये बाहर क्यों आए हैं उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब भी ज़्यादा बारिश या ज़्यादा पानी भरने के बाद जो कैपिलरीज, जो वाटर कैपिलरीज जो पानी के अंदर जो होती हैं, जिनसे जो पानी है वो नीचे जाता है ग्राउंड वाटर तक पहुँचता है, तो वो कैपिलरीज हैं वो बंद हो जाती हैं या फिर उनमें पानी भर जाता है। तो वहाँ नीचे ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन का जो उपलब्ध जो ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म हो जाती है, और केंचुओं को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है जीने के लिए। तो जब इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ये ऊपर आ जाते हैं सतह के ऊपर, और ये जहाँ ऊँची मिट्टी होती है ये उसकी तरफ भागते हैं। तो ये सब जगह ऊँचाई पर केंचुए ही केंचुए दिखाई दे रहे हैं, अभी हर जगह केंचुए ही केंचुए हो रखे हैं। जैसे ही पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, जो सरफेस के ऊपर पानी जो भरा है, तो ये वापस उसके अंदर घुस जाएंगे मिट्टी के अंदर। केंचुए का मैं आपको एक बहुत ही फ़ायदेमंद यूज़ बता दूं। केंचुए क्या काम करते हैं, केंचुए जो खाद होती है किसी भी चीज़ को जो भी हम डालते हैं, तो वो ये खाद तैयार करते हैं। जैसे गोबर का खाद है उसको गलाते हैं, कोई पुरानी लकड़ी है उसको गला देते हैं, या इवन कोई आपका कोई ऐसा मटेरियल है जिसको गलने में टाइम लगता है ये उसको भी गला देते हैं और डायरेक्ट मिट्टी के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो बहुत ही बढ़िया खाद के रूप में हमारी खेती के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इन्हें कभी भी कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड से या कोई भी ऐसा केमिकल कभी यूज़ ना करें खेत के अंदर, जिनसे ये इनकी लाइफ पर कोई प्रभाव पड़े, इनका इनकी जो लाइफ वो ख़त्म हो जाए, ये मर जाए, तो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये खेती के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए कितने घूम रहे हैं यहाँ पे, ये जितने ज़्यादा होंगे उतने बढ़िया, क्योंकि खेती के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा करने वाला जो चीज़ है ये वो है, खाद तभी काम करेगा तभी जब खेत के अंदर ये होंगे। अगर जब खेत के अंदर केंचुए होंगे तभी तो खाद बनेगा, तो केंचुए खेत के अंदर बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए ये केंचुए ही केंचुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये अभी तो फिर भी कम हो गए हैं, बारिश के टाइम पे जब मैंने देखे थे तो ये यहाँ पूरे इतने भरे हुए थे, जिस तरह कीड़ी मकोड़े चलते हैं इस तरह से इस पूरी मिट्टी के ऊपर केंचुए ही केंचुए दिखाई दे रहे थे। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, अभी मैं देखिए पानी के अंदर से वीडियो बना के लाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। बस वीडियो देखने लिए आपका धन्यवाद।